इंडिया गठबंधन को लेकर कई तरह की चर्चाएं चर्चाएं इस बात को लेकर थी कि क्या मीटिंग से नाराज होकर नीतीश कुमार और लालू यादव गए। हालांकि बिहार तक के पास जो नीतीश कुमार की एक्सक्लूसिव फुटेज और बाइट थी, उसमें नीतीश कुमार ये कहते हुए गए थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अगले दिन तक नीतीश कुमार दिल्ली में ही थे, अपने सांसदों से मुलाकात की। अब 29 तारीख को जदयू की एक बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन इन सबके बीच आपकी भी नजर इस बात पर होगी कि इस मीटिंग को लेकर लालू यादव का रुख क्या रहा, लालू यादव इस मीटिंग को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि यहां से पीएम पद की दावेदारी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तो उछला, लेकिन नीतीश कुमार के हाथ कुछ भी नहीं लगा, जबकि ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार संयोजक बनाए जा सकते हैं या पीएम पद की दावेदारी उन्हें मिल सकती है। हालांकि अब आज जब लालू यादव मीडिया के सामने आए तो उनसे पहला सवाल यही हुआ कि क्या आपके बीच और नीतीश कुमार के बीच खटास बढ़ रही है, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई बहुत पॉजिटिव हुई और कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुआ, और ये मीडिया के जो लोग हैं बिके हुए हैं एकदम नरेंद्र मोदी से, चाहे जो भी हम लोग तय करें उनका तय है कि उल्टा बात बोलना, उल्टा प्रोजेक्ट करना। कोई भी ये कहा गया उसमें कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों नाराज है, बैठक से उठ कर चले गए, बैठक ख़त्म हो गई, सब आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता है, जो लोग हैं कम ही लोग जाते हैं, जो बोलना है और जो बात हुई वो सब बात बोला गया। अब ये तय ये हो चुका है कि एकदम सीट का बंटवारा जल्दी से कर देना है और आगे इसको आगे तेजी से बढ़ाना है। ललन सिंह बिल्कुल 15-20 दिन में हो जाएगा बंटवारा। हाँ ठीक बोले हैं, ये इतना तेजी से नीतीश कुमार जी और हम लोग कोई नाराज नहीं है, सब लोग एकजुट होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। सुशील, एक चर्चा और चल रही है, ये चर्चा यह है कि इस पूरी मीटिंग के दौरान जो नीतीश कुमार का नाम आगे नहीं आया, इसे लेकर ललन सिंह को भी बीच में लाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ललन सिंह से नाराज है, क्योंकि ललन सिंह की नजदीकी आरजेडी से बड़ी है, यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव से बड़ी है। ऐसे में जेडीयू पीछे होती चली जा रही है, और लगातार पहली मीटिंग को छोड़ दें तो इंडिया गठबंधन की सभी मीटिंगों को लेकर नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसा परसेप्शन बन रहा है कि वो हर मीटिंग में कहीं ना कहीं संयोजक के पद से या पीएम पद की दावेदारी से पीछे हटते जा रहे हैं। लालू यादव से जब यह सवाल हुआ कि क्या ललन सिंह से उनकी नजदीकी बढ़ रही है इसलिए नीतीश कुमार नाराज हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि लालू यादव से ललन सिंह की दोस्ती बढ़ गई है इसलिए नीतीश कुमार हटाना चाहते हैं ललन सिंह को। 29 तारीख को जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक का परिषद फालतू फालतू इस बात सब ठीक है सर, इंडिया में ऑल इज वेल है सर। इंडिया गठबंधन की बैठक में सबकी नजर लालू यादव पर भी थी। ये कहा जा रहा था कि लालू यादव अगर बिहार में तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्हें नीतीश कुमार के नाम को आगे बढ़ाना होगा। अगर नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार होते हैं, संयोजक होते हैं, तो ऐसे में तेजस्वी को बिहार की कमान मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ममता बनर्जी की एक चाल के आगे लालू और नीतीश की पूरी सोच ही फेल हो गई। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।